इस पे क्या बोलेंगे जो आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया अपना 25 गारंटियां दी है हर युवाओं को 1 लाख रुपए देने की? पूरी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पूरा करेंगे। मोदी जी की तरह धोखा नहीं देंगे। धोखा दिया है? बिल्कुल धोखा। क्या क्या धोखा दिया? सारा धोखा दिया। जनता गुमराह कह के 15 लाख रुपए आएंगे, कहाँ है? 1 अप्रैल बोल दिया, 1 अप्रैल बना रहे, कहाँ है सबके? बोल रहे राहुल गांधी बनने चाहिए, राहुल गांधी अपने गारंटी पूरा। सर कुछ नहीं करने के, 15 साल तक उनकी सरकार थी तब भी तो कुछ थे ना वो। 60 साल कांग्रेस थी, उसके बाद 15 साल वो रहे पार्टी अध्यक्ष रहे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना पपेट प्रधानमंत्री बिठा देते हैं, कुछ नहीं होता है उसके बाद। जी क्या बोलेंगे जो इन्होंने युवा ने बोला कि मोदी जी ने धोखा किया है, राहुल गांधी अपने गारंटी को पूरा कर सकते? कैसा है, ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस और राजीव गांधी आए, कांग्रेस आए, कांग्रेस सरकार आए। मेरे हिसाब से कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं है। इन लोगों को पहले भी मूर्ख बनाया गया था, हम लोगों को मूर्ख बनाया गया था। 70 साल हम लोग मूर्ख बने रहे। 70 साल क्या किया बीजेपी ने? दी ना 70 साल? नहीं तो किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। क्या किया? क्या किया? चलो आप दिखाता हूँ मैं। आप धनवान हो? अरे आप कैश किससे मांगते हो? वो करेंगे जब हमारी रोटी चलती है, हमारी रोटी चलती है परवरदिगार से। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट क्यों बनी है? हम सियासत से मांगते ही नहीं। सियासत खत्म कर दो। किस बात के लिए? खत्म कर दो फिर गवर्नमेंट, खत्म कर दो फिर। अच्छा ये जो 25 सियासत से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट खत्म। सरकार जी ये जो 25 न्याय दिए राहुल गांधी ने, 25 गारंटी जो बोल रहे हैं राहुल गांधी पूरी करेंगे अपनी? कभी नहीं कर सकता बाबू जी। ये सब जितने बोल रहे हैं ना मेरे भाई बंद, ये सब ये विचारों को समझ में नहीं आ रही। भटके हुए सब भटके हुए। अभी इन लोगों के बड़े बुजुर्गों की बातें सुनो, इनके बड़े बुजुर्गों की, इनकी बड़े की सोच सुनो। मुसलमान जो है कभी भी हाथ का बहुत हुनर का कारीगर करिंदा है, वो मिट्टी को खोद के उसमें से सोना निकाल लेता है। बहुत मेहनती इंसान होते हैं। राहुल गांधी ने बोला है कुछ मुख्य वादे हैं कि 1 लाख रुपए हर युवा को दूंगा, हर अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएशन के बाद हर गरीब महिला को हर साल 1 लाख रुपए दूंगा, 25 लाख तक इलाज फ्री होगा, 40 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 2024 में। नहीं बन पाएगा। पहले तो आप इसकी बात देख लीजिए, आपकी सोच जो है। मोदी जी को बोलो एकदम हटाए, सबसे पहले फिर पता चल जाएगा बनेगा या नहीं बनेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हटाते एक बार, उसके बाद पता चल जाएगा। सर राजीव बताइए जी, मोदी वो राहुल गांधी नहीं बन सकता। 1 लाख रुपए विश्वास? अभी खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी में किसको क्या मिलेगा पता तो बाद में लगेगा। ये लोग जो है, आपको विश्वास क्यों नहीं है उनके गारंटी पे, राहुल गांधी के गारंटी पे, 25 गारंटी पे विश्वास क्यों नहीं है? नहीं एक भी एक, एक बात पे भी विश्वास नहीं है। वजह क्या है? अरे यार उसकी बातें कहाँ यार, तुम एक उसकी बात सच वाली बता दो। आप उसकी अब तक की एक बात सच बता दो। आप चाहते नहीं देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए मिले सालाना? आप चाहते नहीं देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिले? यार गरीब महिलाएं मेहनत करके वैसे खा रही हैं, कमा रही हैं, बहुत मौज की जिंदगी जी रही हैं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे कोई भी खा रही नहीं है, यह सब हर आदमी खुशहाल है। किसी मर्जी के कपड़े देख लो, तन पे देख लो, ये मियाँ भाइयों के कपड़े देखो, क्या टॉप के, क्या बेहतरीन बने हुए हैं। ये मोदी जी का राज है ना मेरे यार। आप इनकी बात में नहीं मानो, मैं तो एक बात ही कह रहा हूँ, एक बेहतरीन लिबास, अच्छा और पहनावा, अच्छा खा पी रहे, बाल दबा के पेल रहे हैं, बाल खा रहे हैं बहुत अच्छा से, बिरयानी वगैरह खूब रगड़ते हैं कि घर घर बांट के आता मोदी, घर घर बांट के आता माल हम लोगों के लिए, मेहनत के कमा के खा रहे हो ना, कमा रहे हैं ना। एक बात बताओ, नए जो युवा पढ़ लिख के अल्लाह देता कर रहे, अल्लाह सबसे बड़ा, इतने आर्मी वालों की नौकरी है तो खा के बैठा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कपड़े का लेना हमने यार, हमने क्यों लेना? वो हमारे देश से अलग है क्या? नहीं वो नहीं, हमारे देश का तो जवान है ना, हमारे देश की तो जनरेशन है वो, आउट किस कंट्री का, इसी कंट्री का है ना, या अलग कंट्री का है फिर? अरे यार आपको क्या लगता है, आपको बोले, अरे हम इसी देश के, हमारा पूरा हक है बोलने का। बोला आपको इस देश के नहीं है? नहीं नहीं ये कह रहे ना, जिस तरह से कहाँ से आ रहा है, हम अपनी मेहनत से तो ला रहे हैं, और किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं घर वालों को। सरकार इकोनॉमी बना के रख रही है ना, इकोनॉमी नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, मजदूर को 400 रुपए मिलती है और गाली सुनता है लगे। अरे भाई 600 मिलते होंगे, 100 रुपए में क्या 100 रुपए वाला क्वार्टर पियोगे क्या आप? सरदार जी क्या बोलेंगे? मजदूर है, मजदूर है, कह की 400 मिलते हैं, आप कड़ी के कारीगर हैं, आप कितने पैसे रोज के कमाते हैं ईमानदारी से? 600 रुपया, सिर्फ 600 रुपए? हाँ जी, तो 400 बोल रहे थे घर, 200 रुपया घर पे मेहनत करते हैं तब मिलता है, 600 रुपया बनता है, तो 400 बोला, 100 रुपया बनता है महंगाई, 600 रुपया कमाते हैं, सैलरी तो वही है 10 के अलावा सैलरी कितनी होगी आपकी? 12,000 12,000 सैलरी और 6,000 रुपया 600 रुपया रोज का कमा रही हूँ। अलग से नहीं कमा, 200 रुपया अलग से कमा रहे हैं, टोटल 18,000 हो गया ना महीने का, टोटल 18,000। एक बात बता, वो कहाँ जाएगी? छुट्टी भी तो होगी। आपको क्या लगता है? अच्छा सुनिए, आपको क्या लगता है मोदी जी को नहीं बनना चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, सब पप्पू आएगा, राहुल गांधी आएगा, पूरा करेंगे, पप्पू आएगा, पप्पू बनाएगा सबको, पप्पू तो बनाएगा सर। क्या बोलेंगे मैम? बोल रहे राहुल गांधी आएंगे, जो पप्पू
बोल रहे हैं मोदी जी नहीं, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी आएंगे। क्यों? उन्होंने तो आज 25 गारंटी दे दी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात। अरे भाई, बात करने कथनी और करनी में अंतर है यार। करने वाले करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है। बोलते ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो वो करते भी हैं। मोदी जी तो बहुत तेज गरजते हैं, बस गरजते ही हैं। उन्होंने करा क्या? क्या किया? बहुत कुछ किया है उन्होंने देश के लिए। क्या नहीं किया बताओ? एवीएम में गड़बड़ी करा, यही करा है उसने। जीतने के लिए अपने खुद को, मतलब अपना खुद का सरकार चलाने के लिए चोरी करा है। ये है, ये राजनीति के इसने चोरी किया है। पहले भी तो मत, पहले क्या बताइए? पहले नहीं होती थी चोरियां भैया, बहुत होता था। इससे डबल रेट पे होता था सब कुछ, सब कुछ। इन्होंने कहा चोरी, तो इससे डबल ट्रिपल रेट पे होता था सब कुछ। चोरी, लूट पाट, रेप केसेस, सब कुछ इससे डबल ट्रिपल रेट पे थे पहले देश में। मैम आप यूपी नहीं गए लगता है? मैं यूपी से ही हूँ। यूपी में मैं अभी फिलहाल नोएडा में हूँ। मैं नोएडा से ही हूँ। आप बताओ, आज मोदी जी के राज में हम महिलाएं बिल्कुल फ्री होके रात तक भी यूपी में घूम सकती हैं। कोई डर नहीं है, आराम से जॉब से आना जाना, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं कि हाँ हमें जल्दी कैब पकड़ना है, तुरंत घर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे पहले था। जेल के अंदर में जहर दिलवा के मार दो, उसके बाद ना कुछ भी साबित कर दो। किसका नाम लेना चाहते हैं? मुख्तार अंसारी। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। बोल रहे हैं जहर दिला के मार देते हैं वो कानून। किसके पास प्रूफ है? किसी के पास प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो साबित करके दिखाओ भाई। चौकीदार, तुम्हारा सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारी कहाँ से लाए सबूत? कौन देगा सबूत? ये कोई बात नहीं हुई। ये तो कोई बात ही नहीं। आपने देखा है खरीदते हुए? आपने देखा है भैया? क्या बोलेंगे सर, आप यूपी से आते हैं, क्या ये जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है, एकदम बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोई सबूत है? किसी ने जहर खिला दे सकता है? कोई भी जहर नहीं देगा। झूठी और ये बिल्कुल झूठा है। ये इंदिरा गांधी और मुलायम नहीं ना है कि कितने का मोट उड़ा दिया। अरे भाई साहब, ये लोग कुछ नहीं कर रहा। इनको मोदी से सब कुछ चाहिए पर मोदी नहीं चाहिए। इनको मोदी से सब कुछ चाहिए पर मोदी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, हमें घर से उड़वा लेना। मैं एक बात कहूंगा आपसे। एक बार जब कावड़ वाला निकलता है ना, जो कावड़ निकलते हैं उसे फूलों का माला पहनाते हैं पुलिस वाले, ठीक है? अगर कोई मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ रहा है, 5 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता उसे, ठीक है, उसको लात मारा जाता है। तो ये कहाँ हमारे देश का स्टार है? अंदर कहाँ ला? नहीं नहीं, सुन लीजिए। कौन से ऐसे नेता ने उसका समर्थन किया पहली बार? और आपको कावड़ पे बड़ी चिंता हुई मेरे भाई, मुझे अच्छा लगा कि आपने सोचा। कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी गई, आप जैसे भाइयों ने कितना आंदोलन चलाया, आवाज के अंदर की उसके साथ गलत हुआ। कन्हैया कुमार ने एक वीडियो शेयर करी थी, उसका इससे बड़ा कोई दोष नहीं था। हैं, सुन लो, आप भाईचारे की बात करते हो, बदायूं में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या हुई और जिसको एनकाउंटर करके मारा गया दोषी को, उसके काफिले में 5,000 से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते हैं, वो क्या मैसेज देते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे का या हिंदू मुस्लिम विरोधी का? आप उंगली उठाते हैं, मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो आप जैसे मेरे सक्षम प्यारे भाई कहाँ होते हैं जब हिंदुओं के परिवार से बच्चे मारे जाते हैं, साक्षी जैसी लड़की को गोद गोद के चाकुओं से मारा जाता है, आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरते? मेरे जैसे युवा का दिल दुखता है। बधाई से हूँ मैं, कुछ कह रहे थे भाई, 2 बच्चों को ऐसे खत्म करा गया, इन लोगों के अंदर बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं। मेरा कहने का उद्देश्य तुम्हारे अंदर नहीं है भाई, मेरे अंदर है, इसलिए हम नहीं रोड पे उतरे, नहीं कुछ। हमारे बच्चे 2 लोग खो गए, तब भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा उन लोगों से। क्यों? इधर सुनो, 2 बच्चे, मेरी बात सुनो, दोषी बंदे के लिए एनकाउंटर किया गया, रोड पे होता है भाई, बच्चे तो हमारे थे ना, बच्चे तो हमारे भाई, हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे, जो वहाँ पे बधाइयों में कांड हुआ था। होली वाले दिन मुस्लिम परिवार के ऊपर जबरन रंग लगाया गया, पानी फेंका गया बाइक के ऊपर।